Hello, my dear friends. I'm Kumar Shupraveen and I welcome you all on this KS Educational Hub. Friends, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे डेली हाई लेवल पजल्स वो भी सॉल्यूशन के साथ लाता हूँ। तो आप लोगों को पजल्स में काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल पाएगा। फ्रेंड्स, टुडेज पजल इज बेस्ड ऑन IBPS क्लॉक मेन्स 2017-18 मेमोरी बेस्ड पेपर। और आज का जो पजल हमारा एक मेमोरी बेस्ड पजल है और 2017-18 क्लॉक मेन्स में पूछा गया क्वेश्चन के के आधार पे है। तो आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से बनाइए और फिर हम सब देखेंगे कि इस क्वेश्चन को बनाने का क्या अप्रोच होना चाहिए और कितनी देर में ऐसे क्वेश्चंस को डील करना चाहिए। तो आप खुद से पहले अपने टाइमर को लगाइए और देखिए कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कितनी देर में बनाते हैं, और वीडियो को आप पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि ऐसे पजल्स के साथ कैसे डील करना चाहिए, किस वे से बनाना चाहिए। आई होप कि आप लोगों ने बहुत आप लोगों में से बहुतों ने इसे ट्राई किया होगा और बनाया होगा। मैनी ऑफ यू ट्राइड एंड इवन सॉल्व दैट सॉल्व दिस पजल। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आखिर इस पजल से डील किया जाए, किस वे से इसे बनाया जाए ताकि बहुत आसानी से और बहुत सरल तरीके में इसे हम बना सकते हैं। तो आप लोगों ने बनाया कि 5 डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्टर्स आर देयर। मैं फिर से बता दूं कि मैं ये खुद के लिए लिखता हूं, आप लोगों को मैंने पहले क्वेश्चन प्रोवाइड किया। आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसे पढ़ा होगा और बनाया होगा। अगर यहाँ पे कुछ छूट जाता है तो प्लीज़ आप उसे गौर नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं बस अपने लिए इसे लिखता हूँ ताकि मैं आप लोगों के सामने बना पाऊँ और आप लोगों के सामने एक डिटेल क्वेश्चन का व्यू भी रह पाए। डजन मेंशन नॉट माय हैंड राइटिंग, माय प्रोनाउंसिएशन, इवन एवरीथिंग। मेंशन ओनली द अप्रोच, द वे ऑफ सॉल्विंग द पजल्स। ओके, तो चलिए देखते हैं। 5 डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्टर्स हैं, ENT के हैं, हर एक अलग अलग स्पेशलाइजेशन के हैं। और ENT के हैं, जनरल मेडिसिन के हैं, पेडियट्रिक्स के हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जरी हैं, ठीक है, न्यूरोसर्जन है। और दे अटेंड देयर पेशेंट एट अ डिफरेंट टाइमिंग इन अ सिंगल डे। एक दिन में हर एक कोई अलग अलग टाइमिंग पे पेशेंट के साथ मिल रहे हैं। एंड द ड्यूरेशन ऑफ देयर मीटिंग विद द पेशेंट इज डिफरेंट एंड द टोटल ड्यूरेशन इज 11 आवर। मतलब हर एक स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर का अलग अलग टाइमिंग है, लेकिन हर एक अलग अलग घंटे पे मिल रहे हैं। अब देखिए, देयर इज नो गैप बिटवीन द मीटिंग टाइम ऑफ ऑल द डॉक्टर्स। मतलब क्या हुआ, उनके मीटिंग्स में कोई गैप नहीं है, कंजेक्टिव वे में मीटिंग एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसा द ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग इधर फुल आवर और हाफ आवर, ठीक है, हाफ एन आवर। तो देखिए, उनका जो मीटिंग का ड्यूरेशन है वो या तो फुल होगा या तो हाफ होगा, बट नॉट इन दी 1/3 और 1/4। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 आवर 15 मिनट्स, 3 आवर 45 मिनट्स, ऐसा पॉसिबल नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 1.5 आवर, 2.5 आवर, ठीक है, या फिर 2 आवर 3 आवर, ये पॉसिबल है। तो अब देखिए कि आपका जो मेन इन्फॉर्मेशन था वो यहाँ तक था। अब हम लोग का जो पजल का मेन इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से है, और इसके साथ अब कैसे डील किया जाए, इन्हीं तरीकों पर हम सब बात करेंगे। तो आप देखिए क्या दिया हुआ है, द वन हु इज जनरल मेडिसिन अटेंड देयर पेशेंट फ्रॉम 12:30 to 3 PM। ये तो आपको दिया हुआ है कि जनरल मेडिसिन के साथ, जनरल मेडिसिन स्पेशलाइजेशन के जो डॉक्टर हैं उनका पेशेंट के साथ मीटिंग कब है, 12:30 to 3 PM। तो आप क्या कीजिए कि ये तो आपको एक डेफिनेट डाटा पता चल गया ना कि जो जनरल मेडिसिन के हैं वो क्या कर रहे हैं, 12:30 to 3 PM का उनका टाइमिंग है पेशेंट के साथ। तो टोटल आपका कितना हो गया, 2.5 आवर का इनका मीटिंग रहा। अब देखिए क्या दिया हुआ है, द न्यूरोसर्जन अटेंड देयर मीटिंग विद द पेशेंट इमीडिएट बिफोर और इमीडिएट आफ्टर द जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं उनके इमीडिएट बिफोर या इमीडिएट आफ्टर में न्यूरोसर्जन है। तो आप एक चीज़ देखिए कि अगर हम सब इसमें न्यूरोसर्जन को ऊपर देते हैं, इमीडिएट बिफोर देते हैं, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि न्यूरोसर्जन नीचे आ जाए, इमीडिएट आफ्टर हो जाए। तो एक और केस के साथ हम लोग इसमें चलते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी आसानी से बन सकता है, क्योंकि आप लोगों को ये अभी मालूम नहीं है कि किस पॉसिबिलिटी के साथ इसके साथ चलें तो कि बहुत आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है।
12:32 3 PM था और इनका टाइमिंग कितना हो गया 2.5 आवर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 11 आवर हम लोगों को टोटल दिया हुआ था, इसलिए हम लोग इस चीज़ को मेंशन करें यहाँ पे। अब देखिए क्या है, द मीटिंग आवर ऑफ न्यूरोसर्जन विद द पेशेंट इज 3 आवर, मतलब इनका जो है 3 घंटे का है। अगर हम न्यूरोसर्जन को सपोज इसमें इमीडिएट बिफोर ले लेते हैं, ठीक है, इमीडिएट बिफोर, तो इनका टाइमिंग क्या हो जाएगा, 3 आवर का हो जाएगा। अगर हम लोग इस केस में न्यूरोसर्जन को, जो कि न्यूरो सर्जरीज हैं, इनका अगर टाइमिंग यहाँ पे लेते हैं तो ये भी 3 आवर का होगा। इन चीज़ों को हम सब यहाँ से कंफर्म किए। अब देखिए क्या है, द मीटिंग आवर ऑफ न्यूरो, द ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग विद द पेशेंट ऑफ गायनोकोलॉजिस्ट इज मोर देन द ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग ऑफ पेडियाट्रिक्स विद द पेशेंट बाई 1 आवर। मतलब क्या हुआ कि पेडियाट्रिक्स के जो भी मीटिंग का ड्यूरेशन होगा उनसे 1 घंटे ज़्यादा होगा गायनोकोलॉजिस्ट का। सपोज गायनोकोलॉजिस्ट, सॉरी, अगर पेडियाट्रिक्स का 1 घंटा है तो गायनोकोलॉजिस्ट का 2 घंटा होगा। मतलब क्या हुआ, कहने का तात्पर्य है, इट मीन्स कि आपका पेडियाट्रिक्स प्लस 1 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका गायनो, मतलब पेडियाट्रिक्स का जितना भी होगा उनसे 1 घंटा ज़्यादा होगा गायनोकोलॉजिस्ट का, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ से नोट किया, गायनोकोलॉजिस्ट अटेंड द मीटिंग जस्ट आफ्टर द मीटिंग ऑफ पेडियाट्रिक्स। मतलब देखिए पेडियाट्रिक्स के ठीक बाद है गायनोकोलॉजिस्ट। ये तो डन हो गया कि पेडियाट्रिक्स और गायनोकोलॉजिस्ट एक साथ होंगे, लेकिन गायनोकोलॉजिस्ट इमीडिएट आफ्टर ऑफ पेडियाट्रिक्स, ये भी डाटा हम लोगों को यहाँ से मिला। अब देखिए क्या है, द गायनोकोलॉजिस्ट डज नॉट अटेंड द पेशेंट एट द लास्ट। गायनोकोलॉजिस्ट लास्ट में नहीं है पेशेंट के साथ। अब देखिए कि पेडियाट्रिक्स और गायनोकोलॉजिस्ट एक साथ होगा, लेकिन गायनोकोलॉजिस्ट लास्ट पे नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या आता है, ई एन टी अटेंड द पेशेंट बिफोर द जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन आपका दोनों केस में तो डन था, जनरल मेडिसिन से पहले है आपका ई एन टी, बाद में नहीं हो सकते। इस केस में भी आपका पहले होगा ई एन टी, बाद में नहीं हो सकता है। द जनरल मेडिसिन बट नॉट इमीडिएट बिफोर, लेकिन इमीडिएट बिफोर नहीं है। इनके बीच में तो चलिए न्यूरोसर्जन है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनके बीच में कुछ नहीं है, तो मतलब ई एन टी इमीडिएट बिफोर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आगे और पढ़ते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ द ई एन टी इज 1.5। मतलब क्या हो गया, ई एन टी का आपका ड्यूरेशन 1 आवर, 1.5 आवर का हो गया, ठीक है। द टाइमिंग ऑफ द पेडियाट्रिक्स मीटिंग इज आफ्टर 6 AM। पेडियाट्रिक्स का जो भी मीटिंग होगा वो 6 घंटे के, सॉरी, 6 AM के बाद वाला ही टाइम होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जितना डाटा पढ़ा उस डाटा को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, और देखिए कितना कम से कम, जी शॉर्टकट बना करके या फिर राइटिंग आप बोल सकते हो, कितना कम नोट डाउन करके और डाटा को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो आप देखिए। अब देखिए क्या है, इस केस में आपका क्या हो सकता है, जनरल मेडिसिन के ऊपर आपका ई एन टी है, ठीक है, ई एन टी जनरल मेडिसिन के ऊपर है। अब देखिए क्या है, पहले तो आप न्यूरोसर्जन का टाइम दे दीजिए, टाइम इनका 3 घंटे का है। अगर 3 घंटे का टाइमिंग है तो 12:30 से 3 PM आपका टाइमिंग इनका था, मतलब 3 घंटे का अगर आप टाइमिंग देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 9:30 to 12:30, ठीक है, 10:30 11:30 12:30, 3 घंटे का टाइमिंग हम लोगों ने इसे दिया न्यूरोसर्जन का। अगर ई एन टी पेडियाट्रिक्स और गायनोकोलॉजिस्ट, ई एन टी इनके ऊपर ही होगा, तो ये तो मुझे पता नहीं कि ई एन टी हो सकता है न्यूरो के मतलब पहले हो ई एन टी, या फिर और इनके बाद पेडियट, ये तो डन है कि पेडियाट्रिक्स के बाद आपका गायनोकोलॉजिस्ट है, तो पेडियाट्रिक्स अगर आपका यहाँ आता है और गायनो आपका अगर यहाँ आता है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि ई एन टी इनके ऊपर चला जाए, तो ये देखना होगा कि कहाँ पे हो सकता है। अब देखिए पेडियाट्रिक्स के साथ आपका, और सबसे पहले आप टाइमिंग मेंशन कीजिए, ई एन टी के साथ आपका टाइमिंग क्या था, 1.5 आवर का, टोटल आपका 11 आवर का है, ठीक है ना, टोटल आपका 11 घंटे, 11 आवर का है। देखिए टोटल टाइमिंग अभी तक कितना हो गया, 3 to 5, 5.6 और ये 7, 7 आवर तो हो चुका है, मतलब बचा कितना आपका 4 आवर। तो 4 आवर में आपका पेडियाट्रिक्स और गायनोकोलॉजिस्ट को आपको डिवाइड करना है, मतलब गायनोकोलॉजिस्ट 1 घंटा ज़्यादा है पेडियाट्रिक्स के से, तो
तो हम लोग को अगर 1.5 और 2.5 इसे अगर प्रोवाइड कर दें, और 2.5 तो ये पॉसिबिलिटी है कि 4 हो जाए, ठीक है ना, 2 1 3 और हाफ टोटल 4, तो मतलब ये पेडियाट्रिक्स के साथ हो जाएगा और ये गायनोकोलॉजिस्ट के साथ हो जाएगा। पेडियाट्रिक्स का आप देखिए ईएनटी का टाइमिंग 1.5 आ रहा है, तो 9:30 है ये, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ईएनटी के लिए हमें अगर टाइमिंग देना होगा तो 8 o'clock देना होगा, 8 to 9:30, तभी ये होगा 1.5। और गायनोकोलॉजिस्ट का आपका क्या दिया हुआ है, 2.5 है, गायनोकोलॉजिस्ट का 2.5 है। गायनोकोलॉजिस्ट अगर 2.5 है मतलब क्या हो गया, ये 6 o'clock से तो ये पहले होना चाहिए फिर, मतलब क्या हो गया, 5:32 अगर 8 o'clock हम लोग देते हैं तो फिर आएगा हमारा गायनोकोलॉजिस्ट का, और पेडियाट्रिक्स का तो उससे भी पहले टाइमिंग हो रहा है, मतलब ये तो पॉसिबिलिटी गलत हो रहा है, क्योंकि पेडियाट्रिक्स का 6 AM से बाद वाला टाइमिंग है, तो मतलब ईएनटी यहाँ पे तो आएगा नहीं, ये तो डन हो गया। अगर ईएनटी को हम लोग ऊपर वाले केस में लेते हैं, ठीक है ना, और ईएनटी यहाँ लेते हैं, तो अभी क्या हो गया, ये टाइमिंग हमारा चेंज हो जाएगा। गायनोकोलॉजिस्ट के लिए क्या है, टोटल 2.5 आर है, और 9:30 तो अपना ये था, अभी ये कट हो जाएगा। अब देखिए 9:30 ये था, 2.5 आर तो कितना हो जाएगा, 7:30 to 8:30, 8:30 to 9:30, मतलब आपका 7 o'clock देना होगा गायनोकोलॉजिस्ट को, 7 o'clock to 9:30 देना होगा, तभी इनका 2.5 आर का हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, पेडियाट्रिक्स का क्या दिया हुआ था, 1.5, 1.5 होने के लिए क्या करना होगा इनको, 5:30, ठीक है ना, 5:30 अभी भी मुझे देना पड़ रहा है, मतलब 6 AM से क्या हो रहा है, ये पहले हो जा रहा है, तो ये तो डन हो गया कि हमारा ये जो केस चल रहा था इसमें ये बैठ ही नहीं रहा है, तो हमारे पास एक बस और ये केस बचा, ये पॉसिबिलिटी हमारा रॉन्ग हो गया। इस केस के साथ अगर हम सब चलते हैं तो न्यूरो के लिए अगर टाइमिंग दिया जाए 3 घंटे का, तो क्या हो जाएगा, 3 PM to 6 PM, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, जनरल के ऊपर तो ईएनटी थे लेकिन इमीडिएट ऊपर नहीं है, तो ये तो डन हो गया, ये 3 ही बचे, 5 टोटल थे, 3 अगर बचते हैं तो पेडियाट्रिक्स आपका यहाँ हो जाएंगे और गायनोकोलॉजिस्ट आपके यहाँ हो जाएंगे, और इनके ऊपर फिर ईएनटी आ जाएंगे। अब आपको टाइमिंग यहाँ से तो आप निकाल लिए थे, ईएनटी का टाइमिंग आपका क्या था, ईएनटी का आपका टाइमिंग था 1.5, पेडियाट्रिक्स का भी टाइमिंग 1.5 था, और गायनोकोलॉजिस्ट का टाइमिंग आपने क्या निकाला था, 2.5। अगर 2.5 इसे प्रोवाइड किया जाए गायनोकोलॉजिस्ट को तो कितना होगा, मतलब आपका 10:30, मतलब 10 o'clock से अगर दिया जाए, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 12:30, तो 2.5 ये दिया जा सकता है। पेडियाट्रिक्स के साथ 1.5 देना होगा हमको, ठीक है, तो कितना देना होगा, 8:30 से 9:30, 9:30 to 10, मतलब 8:30 यहाँ अगर हम इसे प्रोवाइड करते हैं 8:30 to 9 का टाइमिंग, तो 1.5 हो रहा है। और ईएनटी की अगर बात करते हैं, 1.5 है, तो 1.5 होने के लिए क्या करना होगा, 8:30 हो चुका है तो 7 o'clock फिर से देना होगा, 7 AM to 8:30, ये टाइमिंग हम लोगों ने दिया। अब देखिए क्या, एक जो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था ना, पेडियाट्रिक्स का 6 AM के बाद वाला टाइमिंग है, तो ये तो डन हो रहा है, पेडियाट्रिक्स का 6 AM से बाद का टाइमिंग 8:30 to 10 का है, और टोटल 11 आर भी आपका हो रहा है, मतलब ये डन हो गया कि इसी पॉसिबिलिटी के केस के साथ इन सभी का मीटिंग पॉसिबल है, क्योंकि देखिए आपने सारे चीज को इम्प्लीमेंट किया और सारे डाटा यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप समझ रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना चाहिए, किस वे से डील करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बहुत कुछ लिख करके बताया हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, ये सारी बातें आपको माइंड में कैलकुलेट करनी है कि हाँ ऐसे टाइमिंग पे अगर ये दिया जाए, ऐसे टाइमिंग पे ये दिया, तो कहीं ना कहीं आप देखेगा कि पेडियाट्रिक्स का है वो 6 AM से पहले हो जा रहा है, तो आप यहाँ से इस केस को एलिमिनेट करके डायरेक्टली इस केस के साथ आ सकते हैं। और जहाँ तक टाइम की बात है, 11 आर है, उसको आप सब चीज़ में डिवाइड करते हुए चलेगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि कितने कितने टाइमिंग पे दिया जाए। तो आई होप कि आपको ये अप्रोच पसंद आया होगा, ये वे पसंद आया होगा, और देखिए IBPS क्लर्क मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितना आसान सा क्वेश्चन था, एक मैंने आपको पहले भी डील किया है क्वेश्चन जो कि ब्लड रिलेशन के साथ था, और वो भी काफ़ी आसान था, वो तो बहुत डैम ईजी था, और ये भी डैम ईजी है, और हम बस आप ये देखिए कि क्लर्क मेंस का जो लेवल है वो लेवल ऐसा ही रहेगा,
इसीलिए आप ये डन रखिए कि एसबीआई क्लर्क का जो लेवल है थोड़ा बहुत इससे डिफिकल्ट होगा, थोड़ा बहुत इससे टफ होगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आप ऐसे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए ऐसे पजल्स को बनाना या सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एग्ज़ाम में बस रिलैक्स रहिए और बहुत आराम से आप जब कोई भी क्वेश्चन अगर उठाते हैं तो आप घबराइए नहीं, और कोई भी क्वेश्चन उठाइए तो बस अच्छे से डील कीजिए, उस अच्छे अप्रोच के साथ डील कीजिए। आप देखिए कि बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ आज आईबीपीएस क्लर्क मेंस के एक पजल के साथ आया था। तो चलिए वापस से कुछ नए पजल, कुछ नए अप्रोच के साथ आपसे मिलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अप्रोच पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और बड़ी बात जो ये है कि आपका कमेंट, आपका फीडबैक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। अनटिल और अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड दिस, हाउ कैन आई इम्प्रूव? हाउ यू नो आई ऑलवेज वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ यू नो द पजल और द अप्रोच। सो योर कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डू दिस। आपका कमेंट इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। डजेंट मैटर फॉर मी इधर इट्स ए नेगेटिव कमेंट और ए पॉजिटिव कमेंट और ए पॉजिटिव कमेंट। आई ऑलवेज यूज टू कंसिडर द जेनविन एंड द रीजनेबल कमेंट द यू आर प्रोवाइडिंग टू मी। सो प्लीज़ डू दिस, डजेंट मैटर आप अगर बुरा कमेंट करते हैं या अच्छा कमेंट करते हैं, जो भी आपको पसंद है आप कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आप वो खराब कमेंट करें, आप नेगेटिव कमेंट करें या पॉजिटिव कमेंट करें, लेकिन करें ज़रूर, ये ना भूलें। तो चलिए वापस में मिलते हैं कुछ नए पजल के साथ।